गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कल हम आ गए थे बद्रीनाथ और रात को हमें बहुत लेट हो गई थी, तो रिलैक्स किया आराम के रूम में आके, और अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो इतनी मोटी जैकेट पहनी है, अंदर से वार्मर पहना हुआ है। तो अब चलते हैं दर्शन करने के लिए, उसके बाद कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे और आपको दिखाता हूँ बद्रीनाथ धाम कैसा है। गाइस अब हम निकल चुके हैं, सब लोग रेडी हो गए, सब के सब बिल्कुल हीरो बन के जा रहे हैं सारे के सारे। और अब हम निकल चुके हैं बद्रीनाथ को, ही उसका पैदल वे है, गाड़ी और वो सब हमारे वकील के वहाँ खड़ी हो गई थी, और अब हम जा रहे हैं पैदल। और ये वहाँ का रास्ता है, एक रास्ता यहाँ पे जाता है एक ये, और ये देखिए यहाँ का। गाइस हम आ चुके हैं बद्रीनाथ की मार्केट में, और यहाँ पर आपको सर्दियों के सारे वुलन आइटम मिलेंगे। बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पे, जेन्युइन रेट्स हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है। रात को बारिश हुई थी, मौसम बहुत ठंडा है, बहुत मज़ा आने वाला है। और वो है सामने बद्रीनाथ मंदिर, जिसे देख के यहीं से मेरा दिल बहुत इतना खुश हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और अभी हम आगे जा रहे हैं। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है, जो अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह चार पवित्र धामों में से एक है जो हिंदुओं द्वारा पूजनीय है, जिसका निर्माण 6वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। बद्रीनाथ जी में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गाइस फाइनली जिस चीज का वेट किया था, कल सुबह से लेके अब तक हम वहाँ पहुँच चुके हैं, और उस जगह का नाम है बद्रीनाथ का धाम। ये देखिए पीछे बद्रीनाथ मंदिर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा लोगों के मन में बहुत है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के रूप बद्री नारायण जी की पूजा होती है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं प्रकट हुए प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। गाइस अभी हम लाइन में खड़े हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट ये चीज़ बहुत अच्छी है कि कोई धक्का मुक्की नहीं है, वो लोग बड़ी शांति से खड़े हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी हम सबसे लास्ट में हैं और हमें वहाँ पे ऊपर जाना है, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ऊपर जाके देखने के लिए, क्योंकि आज तक ये सारी चीज़ें फ़ोटो में देखी, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। लेकिन बोलो भैया, ताई जी से बात करा रहे हैं सबकी। जय श्री बद्री विशाल की जय। रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं, जो यहाँ पूजा करते हैं। मैं मुंबई से आया हूँ, चार धाम की यात्रा सफल हो गई है, आज लास्ट बद्रीनाथ के दर्शन भी हो गए और वापस कर रहा हूँ। जय बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ। फाइनली हम आ चुके हैं गेट पर, मेन काफी भीड़ है देखो। हाथी घोड़ा बाल की जय, कन्हैया लाल की। गाइस हम आ चुके हैं मंदिर के पहले गेट के अंदर,
और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत फुल टाइट हो रखा है मामला। और ये देखिए, ये इसका फर्स्ट गेट था सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद, और अभी हमें और अंदर जाना है। प्राचीन शैली में बना भगवान विष्णु का यह मंदिर बेहद विशाल है। इसकी ऊंचाई करीब 15 मीटर है। भाई हमारा मेंबर आने वाला है और ये मैंने हाथ में प्रसाद ले लिया है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और बस हमारा नंबर आए और हम अंदर चले। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बाहर आके आपसे बात करता हूँ। ऐसा कहा जाता है एक बार श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी एक दूसरे से नाराज हो गए, तो देवी लक्ष्मी अपने पिता के घर चली गई और भगवान विष्णु भी देवी लक्ष्मी से रुष्ट होकर नर नारायण पर्वत पर जाकर तपस्या में बैठ गए। सालों बाद जब माता लक्ष्मी वापस आई तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु तपस्या में लीन है और उनके चारों ओर बर्फ जमी है और उनके ऊपर भी बर्फ गिर रही थी। उन्हें देखकर माता को बहुत दुख हुआ। फिर ये सब देखकर उन्होंने बड़ के पेड़ का रूप लिया, जिसे बद्री का पेड़ भी कहा जाता है, और इस तरह उन्होंने भगवान विष्णु के ऊपर बर्फ नहीं गिरने दी। फिर जब भगवान विष्णु की तपस्या खत्म हुई तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी ने उनके लिए बड़ का पेड़ का रूप लिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने इस स्थान का नाम बद्रीनाथ रखा। तब से इस स्थान को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ की हर युग में अलग अलग कहानियां हैं। कहा जाता है कि यहां पहले भगवान शिव का निवास हुआ करता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान शिव से मांग लिया था। बद्रीनाथ धाम दो पर्वतों के बीच बसा है। इन्हें नर नारायण पर्वत कहा जाता है और मंदिर के ठीक सामने भव्य नीलकंठ चोटी है। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक आसान रास्ता बद्रीनाथ से होकर जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरी श्रद्धा से बद्रीनाथ पहुंचते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बद्रीनाथ धाम को लेकर और भी कई कथाएँ मिलती हैं। नर और नारायण ये दोनों ही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना आश्रम स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए पवित्र स्थान की तलाश में थे। उन्हें इस स्थान की प्राप्ति हुई और उन्होंने इस जगह का नाम बद्री विशाल रख दिया। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। माँ लक्ष्मी जब तुलसी के रूप में बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रही थी तो उसी दौरान भगवान विष्णु ने शंखचूड़ राक्षस का वध किया था। माँ लक्ष्मी को शंखचूड़ राक्षस का स्मरण न हो, इस कारण यहाँ शंख नहीं बजाया जाता। केदारनाथ धाम में यह उल्लेख मिलता है कि कोई व्यक्ति भगवान केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा सफल नहीं होती है। इसलिए यह भारत का पहला धाम बद्रीनाथ है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन ही नहीं बल्कि स्मरण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ के माणा गांव, जो यहाँ का सबसे लास्ट गांव है जहाँ से चाइना का बॉर्डर लग जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम जय हो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय हो। गाइज, हम कल यहाँ पे रहते हैं होटल गोविंद पैलेस, और बहुत अच्छा रूम था और बजट में भी था। अब सामान वामान रख लिया है और अब सब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हम जा रहे हैं माना गांव, तो अब गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं माना गांव की तरफ, जो इंडिया का लास्ट विलेज है और वहाँ उस
गांव के बाद आता है चाइना बॉर्डर, और हमारा प्लान यही है कि वहाँ चलते हैं, उसके बाद वहीं कुछ मैगी चाय वाय पराठे वराठे जो मिलेंगे वहीं पे करेंगे नाश्ता, उसके बाद निकलेंगे वहाँ से केदारनाथ के लिए। गाइस हम आ चुके हैं माना गांव, और यहाँ से उसकी पार्किंग स्टार्ट हो जाती है, और वो सामने है हमारे माना गांव, ये इसे कहते हैं माना गांव। गाइस अभी हमें माना गांव में और हमारे भाई हैं, वो आपको यहाँ की सारी डिटेल बताएंगे। भीम पुल जो है, भीम पुल पे पांडवों को पार कराने के लिए जब कोई रास्ता नहीं था तो भगवान भीम जी अपने एक भुजाओं से एक पत्थर वहाँ पे रखा जो भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है, और माता पार्वती ने अपने प्राण जरि त्याग दिए थे, और उसके बाद पांचों पांडव यहाँ से स्वर्ग के रास्ते के लिए स्वर्ग के सीढ़ियों के लिए। अच्छा, इस गांव से गए थे माना गांव, माना गांव, और यही वसुधारा और ये रास्ता उधर को ही है। गाइस वो देखिए नदी का फ्लो इतना तेज़ है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है इसकी, और अभी हम आगे जा रहे हैं वहाँ वहाँ पे ऐसा कहा ऐसा माना जाता है कि जब पांडव स्वर्ग लोग जा रहे थे तो वो यहाँ पे आके रुक गए, और मतलब कि पानी का फ्लो बहुत बहुत तेज़ था, जिसकी वजह से भीम ने एक यहाँ पे पुल बनाया जिससे वो इस वाले रास्ते से स्वर्ग की ओर गए, और इसीलिए ये जो पुल है इसे भीम पुल कहते हैं। गाइस हम सब हिंदुस्तान की आखिरी दुकान में बैठे हुए हैं, और यहाँ बैठ के सारे मैगी खा रहे हैं। We are having मैगी, सबकी चाहत अर्जुन रावत, और बहुत अच्छी बनी है मैगी। यहाँ पे हम भारत की आखिरी दुकान में आए हैं। ये कैमरों की लकड़ी है, बाबा भैरवनाथ का ये शस्त्र मान के कह सकते हैं इसको, और इसकी पूजा होती है घर पे नजर वगैरह इस चीज के लिए। कड़वे है ये, केदारनाथ वैली में मधमेश्वर सुनाथ क्षेत्र में खूब मिलती है, इसको कड़वे कहते हैं, शुगर के काम आती है, रात को भिगाते हैं और सुबह इसका पानी पीते हैं। ये ग्रीन टी है, पहाड़ की ग्रीन टी, चाय। इसको गर्म पानी में डालना होता है, इसको गर्म पानी में उबालते हैं जैसे चाय बनाते हैं, बस उसको छान के और इसको ग्रीन टी। और ये क्या है? सब वही है, छोटे पैकेट पड़े। अच्छा, इसका क्या इस्तेमाल होता है? ये घर पर नज़र वगैरह इस चीज़ के लिए टेमरू बोलते हैं, इसको टेमरू की डंडी, बाबा मंदिर में या घर के दरवाजे के ऊपर उस पर रख सकते हैं। गाइज अब हमने माना गांव भी घूम लिया है, और अब हम यहाँ से निकल गए हैं, हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत मज़ा आया, और अब हम वापस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं।
और अब हम निकलेंगे केदारनाथ को और यहाँ से रुद्रप्रयाग जाएंगे। रुद्रप्रयाग जाने में हमें कम से कम 8 घंटे लगेंगे और उसके बाद हो सकता है कि हम आज वहीं रुकें और कल सुबह जाएंगे केदारनाथ। तो बहुत लंबा ट्रिप हो चुका है, गाड़ी चला चला के भी हालत ख़राब हो गई है और बहुत ज़्यादा टफ है ये रोड। मज़ा भी आ रहा है, एक्साइटेड भी हूँ बट थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। और भैया भी बहुत, हम सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आया, व्यू अमेजिंग व्यूज़ हैं।